पुदीना स्टफ पानी पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए पानी पूरी की पूरी, ग्रीन चटनी जो पुदीना और कोरिएंडर से बनाई है, बट 70% पुदीना है और 30% कोरिएंडर लीव्स लिया है। ये इमली की स्वीट चटनी है, इमली और गुड़ से बनाई हुई है। मसाला बूंदी है, रॉ बनाना को बॉयल एंड मैश किया हुआ है, बॉयल चना है उसको भी मैश करके लिया है। ये पानीपुरी मसाला है, चॉप्ड हमारा पुदीना लीव्स है और ये जलजीरा पाउडर है। पुदीना स्टफ पानीपुरी बनाने के लिए सबसे पहले हम पानीपुरी का स्टफिंग रेडी करेंगे। उसके लिए एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें हम 1/4 कप बॉईल किया हुआ एंड मैश किया हुआ रॉ बनाना लेंगे। उसमें हम 1/4 कप बॉईल चना है जिसको हमने मैश करके रखा है वो डालेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें चॉप मिंट लीव्स डालेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून जलजीरा पाउडर ऐड करेंगे। हम सॉल्ट नहीं डाल रहे क्योंकि जलजीरा में सब मिक्स ही होता है, और उसमें हम 1/2 टीस्पून जितना अभी पानीपुरी मसाला डालेंगे। आप हमारे ये मसाला बनाने का प्रोसीजर हमारी पानीपुरी मसाला की लिंक पे जाके देख सकते हो। अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले को, तो हमारा पानीपुरी का स्टफिंग रेडी है। हम वापस एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। अब हम ग्रीन चटनी का ग्रीन पानी बना लेते हैं। 1/4 कप मैंने ग्रीन चटनी ली है, इसमें मेरा 70% हमने पुदीना लिया और 30% हमने कोरिएंडर लीव्स लिया है, और उसमें हमने जीरा, हींग, सॉल्ट, ग्रीन चिली, लेमन जूस डाल के हम जैसे ग्रीन चटनी बनाते हैं वैसे ही हमको चटनी बनानी है, बट उसमें हमें पुदीना का लेवल ज़्यादा लेना है। तो ये हम 1/4 कप ले रहे हैं अभी। इसमें हम 2 टीस्पून हमारा पानीपुरी मसाला डाल रहे हैं। आप ये हमारे पानीपुरी की लिंक पे जाके, पानीपुरी मसाला लिंक पे जाके बनाना देख सकते हो। 2 टीस्पून अभी हम डाल रहे हैं। आपको अगर ज़्यादा टेस्ट पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। हम इसमें 1/2 टीस्पून जलजीरा पाउडर ऐड कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स करना है। हम इसमें 1/2 कप जितना पानी डालेंगे, हमने इसमें 1/2 कप पानी डाला है। इसमें हम थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना बूंदी डालेंगे, मसाला बूंदी, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें। और थोड़ा सा मिंट लीव्स डालेंगे। आप ये लेवल पे पानी को टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई मसाला कम ज़्यादा लगता है तो आप अभी इसको मिक्स करने में डाल सकते हो। तो हमारा ग्रीन मसाला पानी भी रेडी है। अब हम इसका सर्विंग करते हैं। अब हम पूरी में स्टफिंग डाल के पूरी को तैयार कर देते हैं। ये हमने रवा पूरी ली है, होल किया बीच में, उसमें स्टफिंग हमें अच्छा डालना है तो ही पानी पूरी का टेस्ट आएगा। हम इसमें हल्का सा मिंट लीव्स रखेंगे और ऊपर से हम जलजीरा पाउडर डालेंगे। ऐसे ही हम पहले अपनी पूरी तैयार कर देते हैं। ये हमारी पूरी तैयार है, मसाला पूरी स्टफ होके। अब हम इसका गार्निशिंग करते हैं। अब हम इसका प्लेटिंग कर रहे हैं। हम पूरी को एक एक स्पून में डाल रहे हैं। अब हम अपने एक बाउल में अपना ग्रीन मसाला का जो पुदीना पानी है वो डालेंगे। एक में हम अपना स्वीट पानी डालेंगे जो मैंने इमली और गुड़ से बनाया है। हम जैसे नॉर्मल स्वीट चटनी बनाते उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पतला कर दिया है कि पूरी में कभी किसी को स्पाइसी लगता है तो बीच में मीठा मुंह करने के लिए ये भी चटनी खा सकते हैं। और हम इसको हल्का सा पुदीना से गार्निश करेंगे और ऊपर से हम वापस उसमें हल्का सा जलजीरा डालेंगे। तो सर्व करने के लिए रेडी है हमारी स्टफ पुदीना पानी पूरी। उसका जवाब डाउनलोड करो सुमेलो ऐप, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।